हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंटेंट नॉलेज। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 8.1, चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10th। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो हमें ये तीन वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हमें बोल रखा है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एंड क्यू पे हमारा क्या है, क्यू पे हमारा राइट एंगल है। तो यहां पर ऊपर पी लिख दिया हमने और यहां पर आर लिख दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है क्या कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 और पी क्यू इज इक्वल्स टू 5। तो पी क्यू तो हमारा 5 आ गया, तो क्यू आर और पी आर का रिलेशनशिप दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर फाइंड आउट करने के लिए हम लेट क्यू आर इक्वल्स टू x, हम क्यू आर को क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। हमने सिर्फ इसलिए माना है क्यू आर को x ताकि ये इसको हम सॉल्व कर सके। क्यू आर x हो गया तो पी आर क्या हो जाएगा, हमें ऊपर पता है पी आर निकालेंगे तो 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर को हमने x मान रखा है तो 25 माइनस x, तो ये आ गया क्या 25 माइनस में x। ओके गाइस, अब हमें वैल्यू निकालनी है क्या x की। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है पी आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। क्यू आर क्या है हमारा, क्यू आर हमारा एक्स स्क्वेयर, पी क्यू हमारा 5 स्क्वेयर एंड पी आर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ए माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। तो ए का स्क्वेयर करोगे तो 25 का स्क्वेयर, प्लस बी का स्क्वेयर करोगे तो एक्स का स्क्वेयर, माइनस टू ए बी करोगे तो 2, ए हमारा 25, बी हमारा एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर तो चलता ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वेयर करोगे तो 6 कितना आ जाएगा इसका, 625 प्लस एक्स का स्क्वेयर देगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50x आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर करोगे तो 25। ओके, उसके बाद क्या, अब देख लो यहां पे हमें क्या करना है, जो x वाली फिगर्स है उनको एक जगह ले आओ, बिना x वाली को एक जगह ले आओ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 50x और ये प्लस का एक्स स्क्वेयर था, इधर के माइनस का एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू में 25 प्लस का, और प्लस का 625 था, इधर के माइनस का 625 हो जाएगा, और कुछ है, और कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वेयर से तो ये प्लस का और ये माइनस का एक्स स्क्वेयर कैंसिल, माइनस 50x तो ये माइनस 50x रहेगा, 625 में से 25 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 600 रह जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस का 50 आ जाएगा यहां पर, माइनस का 50, 0 से 0 चला गया, 5 बन जाए 5 12 से 60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12। x की वैल्यू निकाल चुके हम, और x हमने किसको लेट किया था,
एक्स हमने क्यू आर को लेट किया था तो ये 12 आ गया, और हमने इसको क्या कहते 25 माइनस एक्स, तो 25 में से अगर हम माइनस कर देंगे 12 तो पी आर कितना हो जाएगा 13, तो पी आर भी आ गया, पी क्यू भी आ गया और क्यू आर भी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने क्वेश्चन के ऊपर डिटरमाइन द वैल्यू साइन पी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस पी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टेन पी। कैसे निकलेगा आपको याद होगा, पी बी पी एच एच बी साइन कॉस टेन। साइन पी, पी हमारा कहाँ है, ये रहा, तो इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर है। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटनेस। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटनेस, हाइपोटनेस कितना है 13 आंसर। कॉस पी सेम, कॉस पी की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन में हाइपोटनेस, पी के केस में बेस क्या है पी क्यू, बेस अपॉन में हाइपोटनेस बेस क्या है पी क्यू 5, हाइपोटनेस कितना 13 हमारा आंसर। उसके बाद 10p, 10p की वैल्यू क्या होती है, 10p की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर पी के केस में परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर जो कि 12 है, अपॉन में बेस, बेस कितना है 5 ये हमारा आंसर। तो बस हमें यही तीन वैल्यूज निकालनी थी। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, मे बी एग्जाम में आ जाए, तो इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि यहां पर जो एक कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है वो सिर्फ इतना ही है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सीएम दे रखा है। यहां पे एक लॉजिक लगाना है हमें, क्या कि हमें क्यू आर को एक्स मान के फिर सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो आप आराम से इजीली आप कर सकते हो इसे। ओके गाइस, आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।